गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका खारी। आज है संडे, आई गेस टुडे इज 23rd ऑफ मे। और किया ने शार ले लिया है और शार लेके क्या खा रहे हो? बनाना। और फिर उसके बाद क्या खाओगे? एप्पल। खाना कहाँ पे आपके? एप्पल। ओके, हम ये ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे बताओ? पापा कार क्लीन कर रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हम लोग प्लांट लगाएंगे। मैंने जो साबुत धनिया होता है उसको भिगो के रख दिया था, और फिर अभी मैं धनिये का पौधा लगाऊंगी। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं कुछ प्लांटिंग को लेके कुछ कर रही हूँ, तो वो पौधा लगाऊंगी एंड आई विल शो यू। अभी मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे करा है। जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने हल्का सा ब्रेक करके और सोक करने के लिए रख दिया था। 2 nights हो गए हैं इसको सोक किए हुए। तो अब मैं थोड़ी सी मिट्टी को खोद के और इनको प्लांट कर दूंगी। थोड़ी सी एक दो यूट्यूब की वीडियोज़ देखी थी और वैसे ही करूँगी। हाँ जी, तो आपको पापा के पास जाना है फिर? नहीं नहीं, अभी पहले मम्मा झाड़ू पोछा करेंगी, क्लीनिंग करेंगे। नहीं सोना नहीं। आप मम्मा की, अरे ये क्या बात हो गई? मम्मा को पता है मम्मा कैसे चलना है, ठीक है? इतने आप पापा के पास जाओ। तो मुझे अभी इसलिए करना है क्योंकि राहुल भी बाहर है, कार क्लीन कर रहे हैं, तो राहुल के पास बाहर खड़ी हो जाएगी क्योंकि ड्राई होने में टाइम लगता है। तो तब तक मैं कर लूँगी। हाँ, गैराज खुला हुआ है, आपको जाना है क्या? कोल्ड हो गया है बच्चे को, बोला था। एक बार कोल्ड हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैं डॉक्टर से बात करी थी क्योंकि वहाँ पे वो इन पर्सन तो देखने के लिए मना कर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो लोग, हाँ कोई केसेस नहीं है, फिर भी प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बार कोल्ड हो जाता है ना, थोड़ा कफ रह जाता है, तो दोबारा ज़रूर होता है। ओके शोना, और यहाँ पे बाहर राहुल अपनी कार क्लीन कर रहे हैं। संडे को भी उनकी होती है जॉब, लेकिन थोड़ा सा लेट है, तो उन्होंने सोचा पहले मैं कार क्लीन कर लो फिर जाऊँगा। तो अभी मैं करने वाली हूँ, पहले डस्टिंग करूँगी, फिर झाड़ू करूँगी, फिर पोछा करूँगी। तो अभी ये करने के बाद फिर मैं किया बहुत एक्साइटेड है कि हम वो सीड्स डालेंगे और धनिया उगाएंगे। देखते हैं कैसा होता है, सक्सेसफुल रहता है या फेल हो जाता है। मैं करती हूँ, देन आई शो यू। यहाँ पे किया के लिए चेयर रखी हुई है, मेरे चेयर नजर आई, ये मैं ऐसे दिखाती हूँ। वही किया और किया के पापा, किया को वेट रहता है कि जो लास्ट की मॉपिंग है ना वो करे। कुछ समझा रही है मैंने पापा को, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, यहाँ से कर दो। यहाँ सामने ही चेयर रख देते हैं इसकी अपने पास ही, ताकि पास बैठे रहेगा ये मेरे बच्चा। ये बुला के ले गया, आपके लिए सरप्राइज है। ये रजनी और मनीष भैया ने रिटर्न गिफ्ट दिया था कि आपको। मेरे झाड़ू पोछा हो गए हैं, अब बस कपड़े धुल रहे हैं, उन्हें सुखाऊंगी। वाओ, आपके पास तो कमी नहीं रहने देंगे। ओ वाओ, और कुछ भी है क्या? चॉकलेट। चलो अपने हैंड की चॉकलेट फिनिश करो, फिर ये दे देना। क्या है ना, सिर्फ किया है जो जिसका ब्रेकफास्ट होता है, तो मैं सिर्फ फ्रूट्स देती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स देती हूँ, और कुछ भी जैसे मफिन्स वगैरह होते हैं तो कुछ भी थोड़ा सा उसमें से मीठा।
राहुल अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, बस शार लेने के लिए जाएंगे, जॉब जाने से पहले करके जाएंगे, और मैं अभी शार लूँगी, थोड़ी सी पूजा होती है उसके बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। तो मैं इनका बना के ऑमलेट और स्मूदी लेते हैं, वो बना के फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। थोड़ा पूछी की वजह से सो रहा है ये ना। मैंने इसके अंदर अदरक का रस है, हनी है और थोड़ी सी काली मिर्च है, ये बना रखा है, और ये इसको दवाई की तरह दे देती हूँ। जब भी इसको ये देती हूँ तो बाद में थोड़ी सी कोई भी छोटी सी चॉकलेट इसको पकड़ा देती हूँ, खुशी खुशी इसको ले लेती है, इसको पता है इसके बाद चॉकलेट मिलेगी। ये मैंने परांठे बनाए हैं दाल के, तो जैसे परांठे बनते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है जो खुद खा सकती है, मैं ऐसे पीसेस करके रख देती हूँ और ये राइम्स देखते देखते खुद खा लेती है। तो आई सजेस्ट कि अगर बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद खा सकता है, तो एटलीस्ट उसकी वो लर्निंग ना स्टार्ट कर देनी चाहिए, कि लगता है कि ये चीज़ खुद खा लेगा तो रख के दे दो, जितना रखेगा ना कि खुद खिलाना उतनी आदत बेकार होती है। सुना, फिनिश कर देना जल्दी से, कहीं और ध्यान नहीं होता है इसका रेंज के अलावा। शोना, मैं बिलीव कि थोड़ी बहुत टाइम से लर्निंग भी होती है, थोड़ी बहुत काफ़ी होती है, कुछ चीज़ें इसको इससे टीवी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को और पता चलती है, अगर तुम राइट वीडियो लगा के रखते हो तो, कि बच्चे इंजॉय भी करें लर्न भी हो जाए। हाँ हाँ, ओहो ये सब भी आ गया है। चल फिनिश तो कर लो बेबू, एप्पल एप्पल कह रही हूँ, परांठा शो ना, आप ही आपी। हाँ इसमें क्या है, उठाना जरा बेबू। शोना नहीं खाओगे आप ही आपी? किया फनी आ रहा है ना, बताओ आप ही नहीं खाओगे आप ही परांठा? नहीं शोना, इतना टाइम हो गया था ना, आप बीच में खुद को खाने लग गई थी, फिर मम्मा ने ज्यादा लाड में कर आ गई और खिलाने लग गया आपको। चल छोना मम्मा खिलाती है, चल छोना मम्मा खिलाती है। इससे कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा घी लगा के या कुछ इस तरीके से खिलाऊँ जो ये खुद नहीं खा पाएगी, तो तब मैं इसको खिलाती हूँ। छोना जल्दी से परांठा उठा, किया कर दूँ राइम्स बंद? छोनू बेबू मैं क्या कह रही हूँ, किया उठाओ परांठा, मैं राइम्स बंद कर रही हूँ, फिर कर रही हूँ मैं राइम्स बंद, उठाओ परांठा। अच्छा वो इतना थोड़ा थोड़ा सा आप ही भी तो करना सीखना होता है ना, कब तक मम्मा पे डिपेंड रहोगी, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर मैं बिजी हूँ आप ही तो खा सकती हूँ ना, जब भी भूख लगेगी, ये तो इम्पोर्टेंट होता है। नहीं समझ में आ रहा है शोना, मैं टीवी बंद कर रही हूँ मैं, लाओ दो मुझे रिमोट दो, नहीं खा रहे हो आप ही कर रही हूँ मैं बंद, तो उठाओ गुड गर्ल, आप ही खाना होता है शोनू, ऐसी तो गुड गर्ल बनोगी। मैं बाकी काम करती हूँ। नहीं अभी पहले हम ये मैं क्या क्या लेके आई हूँ ताकि गार्डनिंग स्टार्ट कर सके मेरे साथ, तो अभी हम पता सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यूज़ करके ना हम लोग उसको सैंड को सॉइल को निकालेंगे, ठीक है, बाहर बाहर को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम सीड्स डालेंगे, लास्ट में वाटर डालेंगे। ओके कब? हाँ जी, कहाँ जा रहे हो आप शोना? नहीं नहीं उस साइड नहीं, यहाँ बैकयार्ड में करेंगे, बैकयार्ड में करेंगे ना प्लांटिंग। इसके अंदर दिखाओ ग्लव्स हैं क्या? मुझे जीरो नॉलेज है, हमेशा से ही रहा है कि लेके आ गए प्लांट और
कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ना कम से कम 3-4 inches नीचे तक इसको खोद लिया है। इतने एरिए में अब मैं अपने धनिया सीड्स डालूंगी। पहले वाटर डालते हैं, है ना शोना? वाटर लेके आओ, जाओ। तो मैंने यहाँ अभी थोड़ा सा पानी डाला है और अब किया थोड़ा और दे रही है। डाल दो यहाँ पे, आओ यहाँ पे आगे को हैंड करके डाल दो। हाँ जी, तो बस अब मुझे ऐसा लगता है इतना बहुत होगा। विंटर्स का टाइम है तो मैं इसको ज़्यादा गीला नहीं करूँगी, मैं इसके अंदर सीड्स डालूँगी। क्या डांस कर रहे हो? अरे मेरा शेना कितना हैप्पी है। ठीक है, मामा लेके आ रहे हैं। मैं चुपके से भी खाती हूँ इसको, डांस कर रही हूँ। बंद हो गई। हाँ जी आ रही हूँ। आ तो ये सीड्स है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। साबुत धनिए को मैंने 2 रात भिगो के रखा है, अब ऐसा भी डालूँगी। ये जो है ना, इसके अंदर ऐसे कहीं 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 डाल दूँगी। रुको, मैं पहले ना थोड़ी सी सॉइल हटाती हूँ ऊपर से, क्योंकि ऊपर से ना इसको कवर करने के लिए थोड़ी सी सॉइल चाहिए होती है ना। चलो कैसे देख ठीक है, तो मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी सॉइल हटा के साइड कर देती हूँ और फिर डालती हूँ। मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है और मैंने जो थोड़ी सी साइड में कर दी है ना, इस वाली मिट्टी को मैं जब भी सीड्स डालूँगी ना उसके बाद डालूँगी ऊपर से। हाँ नहीं, और नहीं चाहिए वाटर, मैं अभी डाल देती हूँ। हाँ कहीं 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 पे। बहुत ज़्यादा ही डाला है सोना। हेलो ठीक है, अब इसको हल्का हल्का से ऊपर से कवर कर दूंगी। नहीं सोना, और वाटर, हाँ अभी थोड़ी देर में देना थोड़ा और वाटर ना। ठीक है डाल दो फिर। देखो होपफुली हो जाए। थोड़ा और डालो। अब मम्मा डालें, क्योंकि आपको ना सब जगह नहीं डाल पा रहे हो। मम्मा डालते हैं। नहीं नहीं सोना, विंटर्स है, ज्यादा जरूरत नहीं है। बस हम अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, एटलीस्ट 15 days तो लगेंगे, 15-20 days लगते हैं। देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा ज़्यादा भी ग्रो करेंगे। अच्छा ज़्यादा से ग्रो करेंगे। अब बस छोड़ना, बस और नहीं, और मत डालो। क्या हो गया आपके डैडी को? कहाँ लग गई है उसको? सब जगह लग गई है। हाँ। कैसे लग गई? इसी वो फॉल हो रहा था सारे सारे डेन पर, फिर उसको लग गई। ओह माय गॉड, अब फिर कैसे ठीक करोगे इसको? अच्छा कैसे ठीक करोगे? अच्छा इस बैग के अंदर सामान है, उससे ठीक करोगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे करना पड़ेगा। ओहो फिर ऐसे ठीक हो जाएगा। हाँ,
है बहुत सारा। अच्छा झूठ क्यों नहीं बोल रहा, सच्ची मुच्ची में है इसको फिर? हाँ सच्ची मुच्ची है। ठीक तो हो जाएगा ना ये? लेग्स पर भी हो गया इसकी। बहुत ज्यादा लग गई है इसको, तभी इतना क्राई कर रहा था। अब कैसे ठीक होगा ये बताओ। मेरे को एक आइडिया आया ठीक करने का। हाँ, आप मेरी हेल्प करना। ओके। किस चीज में? किस चीज में हेल्प चाहिए आपको? अच्छा इससे ठीक हो जाएगा ये? कैसे? लूज करके करना है इसको। बैंडेज है किए। अच्छा बैंडेज है ये। ओके ओके बहुत ज्यादा सारा सारा ठीक करूंगी मैं। ठीक है, जब ठीक हो जाए ना तो मुझे दिखा देना। ठीक है, तब तक हम डिशेस वॉश कर रही हैं। क्या बैंडेज से नहीं हो रहा ठीक? फिर क्या करोगे? मेरे को एक आइडिया आया। ये तो टैडी को ठीक कर देंगे। मैं बताती हूँ। अच्छा कैसे? मेरे को एक आइडिया आया। मेरे को एक आइडिया, मैं करती हूँ। हाँ नहीं सुनो, अम्मा के डिशेस रहती है ना। ओके बस करो सुनो, क्या क्या डालोगे उसमें? हम लोग जा रहे हैं वूलवर्थ। मैं ये करती हूँ, जिस दिन इसका स्कूल नहीं होता ना तो एटलीस्ट वूलवर्थ तक का उसका इसका अनाउंट करवाती हूँ, ताकि इसको हैबिट रहे चलने की और इसका स्टैमिना इंक्रीज हो। अरे इतना नहीं ना, इतना सब कुछ लेके थोड़ी ना जाएंगे हम। अगर आपने मुझे दिया, मम्मा मैं टायर्ड हो गई हूँ, आप ले लो, मैं नहीं लूंगी। रख दो, अभी भी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, लेट्स गो। तो अब हम जा रहे हैं वूलवर्थ। जैसे मैंने ये बताया कि आई मेक श्योर कि एटलीस्ट कि यार डेली कम से कम एटलीस्ट 500 मीटर्स तो वॉक करे। 500 टू 600 मीटर्स का मैं टारगेट लेके चलती हूँ। जिस दिन इसका स्कूल नहीं होता है उस दिन हम लोग वूलवर्थ चले जाते हैं। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दूध लेके आना है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इसका चलना हो जाएगा। और ये इसको तो हर हाल में लेके आई है, कहती टैडी रख दूँगी, ये लेके चलूँगी। तो ऐसे हमारी डेली की, मतलब कि मैंने किया कि एटलीस्ट ये डेली की वॉक फिक्स करी हुई है। हाँ ऐसे ना किया को याद भी हो गया, वे भी याद हो गए हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या सुना। तो ऐसे हमारा टाइम पास भी हो जाता है, क्योंकि क्या का एक घंटा निकल जाता है बिना किसी चीज़ की डिमांड करे हुए कि मुझे टीवी देखना है या मेरे साथ प्ले करो, और हम लोग ही वॉक हो जाते हैं। तो किया को हाथ पकड़ना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन ठीक है, शुरू शुरू में तो मैं इसको फोर्सफुली हाथ पकड़ के चलती थी, लेकिन ठीक है इसको नहीं पसंद तो मैं इसको अब छोड़ा हुआ है कि ठीक है आप ही आ जाओ, वैसे भी यहाँ पे सेफ है, आ जाओ। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर संडे। मैं आज का व्लॉग यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। मैं अब किया को शायद थोड़ी सी और आगे पार्क लेके चली जाऊँ, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये खुशी खुशी चल सकती है तो मैं इसको पार्क भी लेके जा सकती हूँ, पार्क लेके जाऊंगी। और बस यहाँ से फ्री होके डिनर बनाएंगे। अच्छा वूलवर्थ दिस इज द फ्यूचर, व्लॉगिंग व्लॉगिंग ये सब चीज़ें ये इनका फ्यूचर ही है। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों का लोड नहीं लूँगी कि ये क्या बोल रही है, क्या देख रही है, क्या सीख रही है। इसके फ्यूचर में यही सब चीज़ें सीखनी है, यही सब चीज़ें देखना है, तो लेट इट बी। इसकी भी लर्निंग हो रही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और मुझे
आ गया, चलो दिखाते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, नहीं तो भी ठीक है, डिसलाइक का बटन है वहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। क्या देखा है आपने? ओके ओके, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, गंदी लगे वीडियो तो डिसलाइक कर दो, और अगर आगे ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन बटन प्रेस कर दो। बेल आइकन बटन इसलिए प्रेस करना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि होल्ड माई हैंड है ना, बेल आइकन बटन इसलिए प्रेस करना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आती है कि न्यू वीडियो आ गई है तो आपको पता चल जाता है, और स्पेशली ना बता के, सो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है।